सहारनपुर राष्ट्र लोक दल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेरित किया। ज्ञापन के माध्यम से राव केसर सलीम ने आरोप लगाया, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके चलते सत्ता पक्ष के लोग फर्जी वोट बनवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आधार कार्ड से वोट बनवाए जा रहे हैं, भले ही आधार कार्ड पर संबंधित नगर पालिका नगर पंचायत नगर निगम का पता भी ना हो, बाहर के लोगों के वोट बनवाने का प्रयास जारी है। साथ ही फर्जी किराए नामे पर वोट बनवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के वोट उनके अपने वादों से अलग करके दूसरे मॉल और दूसरे वालों में जोड़ने का खेल जारी है, ताकि चुनाव के दिन लोगों को अपने वोट ढूंढने में मशक्कत करनी पड़े। यह आरोप लोक दल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने सत्ता पक्ष पर लगाए और एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ के नाम प्रेषित किया। हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ऐसी शिकायतें लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा मिल रही है और ऊपर से भी पार्टी का निर्देश है कि जहाँ भी इस किस्म की धांधलियाँ हो रही हैं उसको तत्काल रोक लगाएं। इसके लिए आज लोग हम ज्ञापन लेकर के आए हैं, विज्ञापन दिया है अधिकारी महोदय को और ये हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी है कि जो सही वोट है केवल वही बन पाएँ, जो फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, इसके लिए हम लोग आए हैं। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम जारी किया है, एक ज्ञापन दिया है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल ने ये आशंका व्यक्त की है कि कुछ जाली दस्तावेज़ बनाकर, जाली किरायनामे बनाकर, जाली आधार कार्ड बनाकर जाली वोट बनवाए जा रहे हैं और एक समुदाय विशेष के वोटों को विभाजित किया जा रहा है, जिस सेक्टर में वो हैं उससे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मोहल्लों में उनके वोट बांटे जा रहे हैं, जिससे ये आशंका है कि चुनाव के अंदर पूरी धांधली करने का भारतीय जनता पार्टी का मन है। हमने चुनाव आयोग को इसलिए आज वो दिया है कि बिल्कुल चुनाव सिर पे हैं, किसी भी समय घोषणा चुनाव की हो सकती है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और उस दस्तावेज़ को जिसके आधार पर जाली वोट बनाए जा रहे हैं ऐसे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और एक निष्पक्ष चुनाव कराने का हमने अनुरोध चुनाव आयोग से किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।